Hello students, so today I'm telling you the most important question of the chapter The Rise of Nationalism in Europe of class 10 that can come in your board exam. ओके सो पहले मैं आपको ये बता दूँ, आपको सब कुछ पढ़ के जाना है. ये वो क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम्स में अक्सर आते हैं. आप पूरी तरह इन पे डिपेंड मत रहिएगा, लेकिन आपको इनको पढ़ के भी जाना है, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में. क्लियर? तो सबसे पहले द क्वेश्चन नंबर वन इज़, व्हाट चेंजेस डिड नेपोलियन इंट्रोड्यूस टू मेक द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर एफिशिएंट इन द टेरिटरीज रूल्ड बाय हिम. मीन्स आपने चैप्टर पढ़ा होगा हिस्ट्री का, उसमें जो नेपोलियन ने अपने बुक में, अपने नेपोलियन कोड में जो चीज़ें बताई थी उसके बारे में बताना है. राइट? सो आंसर इज़, और हमेशा एसएसटी के पेपर में आपको पॉइंट्स में लिखना है. सो द फर्स्ट पॉइंट इज़, प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ वर रिमूव्ड. जो प्रिविलेजेस दी गई थी बर्थ्स के बेस पर, उनको हटा दिया गया था. सेकेंड पॉइंट, फ्यूडल सिस्टम वॉज एबॉलिश्ड एंड पीजेंट्स वर फ्रीड फ्रॉम सेफ्रॉन एंड मैनुअल ड्यूज से. उनको भी हटा दिया गया था, फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया था. थर्ड पॉइंट, टाउन्स और जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस थे उनको भी रिमूव कर दिया गया था. टाउन्स में जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम्स था उनको काफ़ी इम्प्रूव किया गया था. और जो स्टैंडर्डाइज वेट था, मेजर्स था एंड अ कॉमन नेशनल करेंसीज थे, इनको इंट्रोड्यूस किया गया था नेपोलियन के कोड में. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है. The question number second is, briefly explain the process of unification of Italy. So the answer is, political fragmentation. Like Germany, Italy was also politically fragmented. Means Italy bhi politically fragmented tha, divide tha. During the middle of the 19th century, Italy was divided into seven states. Italy seven state mein divide tha. Lekin usme se ek state aisa tha, of which only one, Sardinia Piedmont was ruled by an Italian prince. Lekin ek state aisa tha, jisko Italian prince rule karta tha. The second is, role of Giuseppe Mazzini. Made efforts to unite Italian Republic. उनकी एफर्ट से ही हैड फॉर्म सीक्रेट सोसाइटी, उन्होंने यंग इटली को बनाया फॉर अचीविंग हिज गोल. द थर्ड इज रोल ऑफ काउंट केवर. ही वॉज अ चीफ मिनिस्टर हु लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई इटली एंड ही फॉर्म्ड, उन्होंने एक टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस बनाया फ्रांस के साथ एंड डिफीटेड द ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दिया. द थर्ड इज रोल ऑफ गिउसेप्पी गारिबाल्डी. इन्होंने, गारिबाल्डी जो थे उन्होंने भी एक आर्म वॉलेंटियर्स फॉर्म बनाया और इन 1960 में दे मार्च इन टू साउथ इटली एंड द किंगडम्स ऑफ द टू सिलसीज एंड सक्सीडेड. और वो सफल हुए इन ड्राइविंग आउट, भगाने में किसको, द स्पैनिश रूलर्स को. सो इन 1860 में जो विक्टर इमल सेकेंड थे वॉज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली. सो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, What steps did the French revolutionaries take to create a sense of collective identity among the French people? Means French revolutionaries ने क्या क्या step लिए ताकि एक collective identity बन सके French peoples के बीच में. So क्या क्या steps थे? So the answer is, number one, the ideas of La Patrie and the Le Citoyen, emphasis के इनके ऊपर जोर दिया गया. means the fatherhood and the citizens के ऊपर जोर दिया गया. The second is a new French flag, the tricolor was chosen. The third is the state general was elected by the active citizens, के द्वारा state general का election हुआ. The fourth is the elected body of citizens renamed as a national assembly, उसका rename रखा गया national assembly. The fifth is new hymns were composed, मतलब जितने भी poets थे उन्होंने नई नई poets हैं, जितनी भी कविताएं थी उन्होंने compose करने लगे. ओस व टेकन, शपथ ली गई. मार्टियर्स कॉमेमोरेटेड, मीन्स उनके जो शहीद हो जाते हैं उनके उस पर जो उनकी मूर्तियां बनाई जाती हैं वो बनाई गई. ही सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स वॉज इम्प्लेंटेड एंड द नाइन्थ इज फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज बनाए गए. ए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वर अडॉप्टेड, वो अपनाए गए. फ्रेंच बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन, और फ्रेंच जो थी वो कॉमन लैंग्वेज बन गई नेशन की. तो ये सारी चीज़ें, ये सारे स्टेप्स किए गए फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज के द्वारा. सो क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज, द डिकेड ऑफ 1830 हैड ब्रॉट ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप. सपोर्ट द स्टेटमेंट विद आर्गुमेंट. मीन्स जो डिकेड थी 1830 वो किस तरीके से इकोनॉमिक हार्डशिप लेके आई, नहीं इकोनॉमिक प्रॉब्लम लेके आई यूरोप में. सो द आंसर इज, देयर वॉज एनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल ओवर यूरोप. मीन्स सबसे पहली प्रॉब्लम इकोनॉमिक में कब आती है, जब किसी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. तो इसी तरह यूरोप में हुआ, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी जिसकी वजह से इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी क्रिएट हो गई.
The second point is there were more job seekers than employment. तो जाहिर सी बात है जब population ज़्यादा होगी तो job seekers भी बहुत होंगे. Job seekers मतलब job को ढूंढने वाले. Employment इतना नहीं था लेकिन job को ढूंढने वाले लोग बहुत थे. The third point is population from rural areas migrated to cities to live in overcrowded slum. और जो rural areas थे यानी गाँव से लोग urban areas की तरफ जा रहे थे जिसकी वजह से cities में बहुत ज़्यादा slum crowded हो रहा था. राइट वहाँ लोग झोपड़झट्टी में लोग रह रहे थे सिटीज़ में छोटे छोटे घर बना के. इसकी वजह से सिटीज़ में पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज़ हो रही थी. द फोर्थ पॉइंट इज स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन फेस शिफ्ट कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट्स ऑफ चीप मशीन्स मेड फ्रॉम गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज मोर एडवांस. और जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे जो टाउन्स में वो भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन को फेस कर रहे थे क्योंकि उनको इतनी चीप मशीन्स मिल रही थी जिससे वो अपना अच्छा प्रोडक्शन नहीं दे पा रहे थे. The fifth point is peasants struggle under the burden of feudal dues and obligations. और जो बेचारे peasants थे उनके ऊपर भी burden था feudal dues का. मीन्स जो भी उनकी property थी जो भी संपत्ति थी वो भी एक बड़े बड़े landlords के अंदर रखी गई थी ताकि उनका loan चल सके. तो वो भी बहुत सफ़र कर रहे थे. एंड द सिक्स पॉइंट इज राइज ऑफ फूड क्रॉप्स. क्योंकि जब पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई थी जाहिर सी बात है जो फूड क्रॉप्स थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए उनके प्राइस बहुत हाई हो गए. बैड हार्वेस्ट सिस्टम हो गया था वहाँ पे बहुत ज़्यादा जिसकी वजह से लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपरिज्म. पॉपरिज्म मीन्स होता है पॉवर्टी. स्प्रेड हो गई यानी गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ गई इन टाउन एंड कंट्रीज में. तो ये सारी चीज़ें 1830 में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप हुआ इन यूरोप में. किसके कारण? ड्यू टू द राइज इन पॉपुलेशन के कारण ये सब उनको झेलना पड़ा. सो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज व्हाई डिड नेशनलिस्ट टेंशंस इमर्ज इन बल्कन्स और द आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट ऑफ नेशंस बिकम अ नैरो क्रीड विद लिमिटेड एंड सपोर्ट द स्टेटमेंट इन द कॉन्टेस्ट ऑफ बल्कन नेशनज इन द अर्ली 19th सेंचुरी. राइट इस तरीके की जो और क्वेश्चंस हैं उनका आपको एक ही आंसर लिखना है कि बल्कन में क्या क्या टेंशंस थी क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण ये सब हुआ. सो द आंसर इज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द टेंशन टू इमर्ज इन बल्कन वॉज बिकॉज द पीपल एस्पायर टू नेशनल. मीन्स वो लोग सब नेशंस चाहते थे. ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी जो मेजर पोर्शन था बल्कन्स का वो किसके अंडर में था? ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था. एंड दे ट्राई टू अडॉप्ट मॉडर्न टेक्निक्स. वो मॉडर्न टेक्निक्स को अडॉप्ट करना चाहते थे लेकिन और वो चेंजेस चाहते थे अपने इंटरनल बैकवर्डनेस में क्योंकि उनका स्टेट बहुत बैकवर्ड था और वो चाहते थे कि मॉडर्न टेक्निक्स उनके स्टेट में डेवलप हों लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए. बट दे डिडेंट सक्सीड. तो जिनके कारण उनके जो स्टेट्स थे उनके आपस में ही बहुत जेलसी थे. राइट सो नंबर फर्स्ट पॉइंट इज जेलसी. तो सबसे पहला कारण जेलसी था. So there was a jealousy among the Balkan state and each hoped to expand their boundaries at the expense of other. और हर स्टेट ये चाहता था बल्कन के अंदर जितने भी जो स्टेट थे वो ये चाहता था कि हम एक दूसरे की बाउंड्री को बढ़ाते जाएं. राइट एक दूसरे को ऑक्यूपाई करता जाएं. तो ड्यूरिंग दिस पीरियड द आइडियोलॉजी ऑफ यूरोप वॉज चेंज एंड द लिबरल फीलिंग्स वर नैरोड डाउन विद द लिमिटेड एंड्स. एंड जो इनटॉलरेंस थी वो फॉलोड हो गई थी अमंग द ग्रुप्स में एंड दे वर रेडी टू फाइट अ वॉर. और यहाँ तक वो लोग एक दूसरे से फाइट करने को भी तैयार हो गए थे. राइट जैसे हमारे इंडिया में डिफरेंट स्टेट हैं. अगर हमारे इंडिया में ऐसी सिचुएशन आ जाए कि यूपी वाले सोचें कि हम बिहार को भी अपने अंडर में कर लेंगे या बिहार वाले सोचें हम राजस्थान को कर लेंगे तो इस तरीके से एक वॉर की स्थिति आ जाएगी. तो वही चीज़ बल्कन स्टेट्स में थी. क्लियर. सो सेकंड इज़ अ पावर स्ट्रगल. जैसे रशिया जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी ब्रिटेन द यूरोपियन पावर्स वर इंटरेस्टेड टू एक्सपैंड देयर ओन एम्पायरिज्म. वो लोग ये चाहते थे खुद का अपना एक कंट्रोल करें. जितने भी ट्रेड कॉलोनीज नेवल मिलिट्री पावर्स थी वर सम ऑफ द मेजर फैक्टर्स थी विच ऑल द यूरोपियन पावर्स वर स्ट्रगलिंग फॉर. वो सब स्ट्रगल कर रहे थे इसको पाने के लिए. एंड दे वर ऑल वेरी कीन ऑन कंट्रोलिंग द होल्ड ऑफ अदर पावर्स एंड एक्सटेंडिंग देयर ओन. वो चाहते थे कि दूसरों की पावर्स को हम कंट्रोल करें और अपनी भी पावर को साथ साथ बढ़ाते रहें. तो ये सारी चीज़ें बहुत फेस करी जा रही थी बल्कन स्टेट्स में. तो इथनिक वेरिएशन द थर्ड पॉइंट इज जो बल्कन वॉज अ रीजन ऑफ ज्योग्राफिकल एंड इथनिक वेरिएशन था. वहाँ पे बहुत सारे ज्योग्राफिकल एंड इथनिक वेरिएशंस थे जिसकी वजह से जो आज कॉम्प्रोमाइजिंग मॉडर्न डे में जो रोमानिया बुल्गारिया अल्बेनिया ग्रीस मैकडोनिया क्रोएशिया बोस्निया जो हर्जेगोविना स्लोवेनिया सर्बिया और जो मॉन्टेनेग्रो ये जितने भी स्टेट्स हैं इनके जो इनहेबिटेंट्स हैं वो जाने जाते थे एज ए स्लेव्स एक गुलाम की तरह वो जाने जाते थे. द फोर्थ पॉइंट इज डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर. जितना भी एक बड़ा हिस्सा था अ लार्ज पार्ट ऑफ बल्कन्स वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑटोमन
ऑटोमन एम्पायर, ये आपको पता है, जो आइडियाज़ थे ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म के इन द बल्कन्स टुगेदर विद डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोजिव। और इसी कारण यानी रोमांटिक नेशनलिज्म के कारण ही यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजिव हुआ, आपस में इतना बड़ी लड़ाई हुई जिसकी वजह से जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो स्टार्ट हुआ था। द फिफ्थ पॉइंट इज द सब्जुएशन, मतलब होता है कंट्रोल करना, मींस जब आप देखते हो कि आपके सामने कोई वीक बंदा खड़ा है तो आप उसके ऊपर अपना कंट्रोल करना चाहोगे। यही चीज़ बल्कन स्टेट में थी, हर एक स्टेट दूसरे स्टेट पर कंट्रोल करना चाहता था। तो इसमें सून मेनी फॉरन पावर्स जो थी वो अटैम्प्टेड टू सब्जुएट मतलब कंट्रोल करना दीज न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट के ऊपर वो अपना कंट्रोल करना चाहती थी। और जो बल्कन पीपल थे वो कोशिश करते थे ट्राई टू क्लेम इंडिपेंडेंस बाय यूजिंग हिस्ट्री टू प्रूव दैट दे हैड वंस बीन इंडिपेंडेंट। और जो बल्कन पीपल थे वो कोशिश कर रहे थे कि एक बार वो फिर से इंडिपेंडेंट स्टेट बने। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। बल्कन के बारे में पूछा जा सकता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ बल्कन की स्टेट के थ्रू, या किसी भी तरीके से अगर आप बल्कन के बारे में क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको यही आंसर लिखना है। So the next question is, briefly trace the process of German unification or describe the process of unification of Germany. So the answer is, the first point is, nationalistic feelings were widespread among middle class Germans who in 1848 tried to unite the different regions of the German Confederation into a nation state governed by an elected parliament. Means, जो nationalist feelings थी वो पूरी तरीके से फैल रही थी middle class Germans के बीच में in 1848 में, और वो लोग कोशिश कर रहे थे जो अलग अलग regions थे German के उनको unite करने के लिए by an elected parliament के द्वारा। उसके बाद द सेकेंड पॉइंट मीन दिस लिबरल इनिशिएटिव टू नेशनल बिल्डिंग में वॉज हाउएवर रिप्रेस्ड बाई द कम्बाइंड फोर्सेज ऑफ द मोनार्की एंड द मिलिट्री। जो कौन सपोर्टेड किसके द्वारा हो रहा था, बाई द लार्ज लैंड ओनर्स के द्वारा और प्रूशिया के, राइट। एंड थर्ड पॉइंट में प्रूशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर द नेशनल यूनिफिकेशन में उन्होंने अपना लीडरशिप ले लिया था। एंड इसके जो चीफ मिनिस्टर थे जिनका नाम था ऑटो वॉन बिस्मार्क वॉज द आर्किटेक्ट थे इस प्रोसेस के, जो कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ प्रूशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी के जरिए उन्होंने पूरा मूवमेंट चलाया। इसके जरिए यहाँ पर 3 वॉर्स हुए ओवर 7 ईयर्स विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस के साथ, एंड एंडेड इन प्रूशियन विक्ट्री के साथ ख़त्म हुए, उनकी विक्ट्री हुई प्रूशियन की, एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। और इस तरीके से जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ। और लास्ट में इन जनवरी में 1871 में द प्रूशियन किंग विलियम फर्स्ट वॉज प्रोक्लेम जर्मन एम्परर इन अ सेरेमनी हेल्ड एट वर्सेलेज। तो ये पूरा जर्मनी का यूनिफिकेशन है जो आपको आंसर्स में लिखना है। एंड देयर आर सम वन मार्क्स क्वेश्चन दैट कैन कम इन एग्जाम्स ऑल्सो फ्रॉम दिस चैप्टर। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज, हु वॉज फ्रेडरिक सोरियो। फ्रेडरिक सोरियो कौन थे? फ्रेडरिक सोरियो वॉज ए फ्रेंच आर्टिस्ट थे हु प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स, जिन्होंने 4 प्रिंट्स की सीरीज करी थी। आप अपने एनसीईआरटी की जब बुक में फर्स्ट पेज खोलेंगे तो आप में दिखेगी वो पिक्चर। विजुलाइजिंग हिज ड्रीम, उन्होंने एक ड्रीम विजुलाइज करी थी, एक वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। उनका एक वर्ल्ड, एक दुनिया उन्होंने बनाई थी जो किससे बनी हो, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक से बनी हो। तो अगर इनके बारे में आए तो आपको ये लिखना है, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज, हु रिमार्क्ड व्हेन फ्रांस नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। सो द आंसर इज मैट्रिक रिमार्क्ड व्हेन द फ्रांस नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861। विक्टर इमैनुअल II वॉज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861. Who was proclaimed German Emperor in ceremony held at Versailles in January 1871? So answer is Caesar William I of Prussia was proclaimed German Emperor in a ceremony held at Versailles in January 1871. What was the meaning of liberalism in early 19th century in Europe? Liberalism means stood for freedom for individual and equality for all before the laws. What was the main aim of the Treaty of Vienna in 1815? The aim and Treaty of Vienna is undoing most of the changes that had come about in Europe.